जानिए तुला राशि का मई 2024 का मासिक राशि फल। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आस्था और ज्योतिष ज्ञान में। कृपया करके मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हम इसी प्रकार से आपको धार्मिक और ज्योतिष से जुड़ी कई इंटरेस्टिंग बातें, जानकारियाँ एवं ज्योतिषीय टिप्स साझा करते रहें। तो चलिए जानते हैं आने वाला मई का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आने वाला नया महीना उनके लिए क्या सौगात लेकर आ रहा है और किन बातों को लेकर इस राशि के लोगों को सावधान रहना होगा। तो चलिए जानते हैं, मई का महीना तुला राशि वालों के लिए खुशियों और मिश्रित परिणामों वाला होगा। इस महीने करियर में कई अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आपको आपकी पुरानी मेहनत का फल मिलने की संभावना है। इस महीने आपको प्रशंसा और पुरस्कार मिल सकते हैं। आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जिसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखें। आर्थिक लाभ होने की संभावना है लेकिन धन का सदुपयोग करें। बजट बनाकर धन खर्च करें वरना धन खर्च हो सकता है। परिवार के साथ समय बिताने के अच्छे अवसर मिलेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में सुधार हो सकता है। घर में चल रहे विवादों का समाधान होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ब्लड प्रेशर से लेकर संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है इसलिए मानसिक तनाव से बचें। नियमित ध्यान और योग का सहारा लें और अपनी दिनचर्या को ठीक रखें। पर्याप्त आराम करें। पहले 15 दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। महीने के मध्य में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। महीने का अंत आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने कुछ उपाय आप जरूर कीजिए। प्रतिदिन शुक्र देव की पूजा करें। शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र धारण करें। गरीब और ज़रूरतमंदों को दान करें। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। तो चलिए मित्रों, आज हमने जाना कि आने वाला मई का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए मित्रों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल आस्था और ज्योतिष ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा मेरे आस्था और ज्योतिष ज्ञान के दर्शक अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो यह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।